नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। पीएम मोदी ने बिहार को विकास योजनाओं की सौगात दी है। 7 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। मुंगेर जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया गया है। जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया है। मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का भी शिलान्यास किया गया है। और राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आत्मनिर्भर बिहार देगा आत्मनिर्भर भारत मिशन को गति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं और कई बड़ी सौगात से भी बिहार को नवाजा गया है। आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं, अभियंता दिवस। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी, उनकी जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर, भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को, उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और
वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ। और अब बात बॉलीवुड में ड्रग्स के आरोपों के बाद जिस तरीके से विवाद छिड़े हुए हैं उसकी करते हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर हमला बोला है, आरोप लगाया है, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जया बच्चन ने ये रवि किशन पर बड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है, हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। तो जया बच्चन का रवि किशन पर बड़ा हमला, साफ तौर पर कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। People who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate and I hope the government tells these people who have made their earning name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. Jis thali mein khate hain, usme chhed karte hain. Galat baat hai. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. दरअसल सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स मसले को उठाया था, जिस पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया और रवि किशन के बयान की निंदा की। अब भाजपा सांसद भी जवाब दे रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरा सपोर्ट देंगी। रवि किशन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर ड्रग कॉकटेल काम कर रहा है। रवि किशन ने कहा कि इस ड्रग कॉकटेल की रीढ़ तोड़ना बेहद जरूरी है। जया बच्चन के बयान पर रवि किशन बोले कि शायद उन्होंने मेरा बयान ध्यान से नहीं सुना है और युवाओं को बचाना है तो इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाना होगा। एक वरिष्ठ होने के नाते वो इस बात को समझेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मेरे बात को गलत तरीके से रखा, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मैं इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा।
वहीं आरोप प्रत्यारोप के इस पूरे विवाद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड पर हमला किया है। करण जौहर के पापा ने नहीं बनाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री करोड़ों भारतवासियों ने बनाई है, यह कहना है कंगना रनौत का। तो एक बार फिर कंगना रनौत ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है। जया बच्चन पर कंगना रनौत ने बड़ा हमला बोला है, मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आपका यही प्रतिक्रिया होती? अभिषेक अगर खुदकुशी करता तब भी क्या आप इसी तरीके से रिएक्ट करती? तो एक बार फिर कंगना रनौत ने जया बच्चन को भी कटघरे पर खड़ा किया है। जिस तरीके से जया बच्चन ने रवि किशन के बयान को, कंगना के बयान को लेकर के उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, उसके बाद कंगना रनौत ने पलटवार किया है कि मेरी जगह अपनी बेटी को रख करके देखिए, अगर वो मेरी जगह पर होती और अभिषेक सुशांत की जगह पर अभिषेक होता क्या तब भी आपकी यही प्रतिक्रिया होती? तो ड्रग्स केस को लेकर के इस वक्त पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है, दो खेमे बढ़ चुके हैं। एक जो ड्रग केस में ड्रग पेडलर्स, अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में जो ड्रग की एंट्री हुई है उसका समर्थन करता, और एक है जो इसे सिरे से खारिज करने में लगा है, और उसी को लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कंगना ने एक बार फिर पहले करण जौहर पर हमला बोला और उसके बाद जया बच्चन पर भी पलटवार किया है कि आप सुशांत की जगह पर अभिषेक को रख करके देखिए कि अगर सुशांत की जगह पर अभिषेक ने सुसाइड किया होता तो क्या आपका रिएक्शन यही होता? तो बड़ा हमला बोला है कंगना रनौत ने जया बच्चन पर। जया बच्चन के बाद अगर देखा जाए तो जया बच्चन के बाद कंगना रनौत ने करण जौहर पर भी हमला बोला है। करण जौहर के पापा ने नहीं बनाई इंडस्ट्री, बड़ा हमला, साफ तौर पर कहा है कि यह इंडस्ट्री करोड़ों भारतवासियों ने बनाई है, करण जौहर के पिताजी की बनाई हुई यह इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में केवल करण जौहर नहीं है बल्कि बाबा साहब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है, उस फौजी ने बनाई है जिसने सीमाओं को बचाया, उस नेता ने बनाया जिसने संविधान की रक्षा की, उस नागरिक ने जिसने टिकट खरीदा, और दर्शकों का भी किरदार इस पर जो है बहुत बड़ा टिका हुआ है। साफ तौर पर करण जौहर पर बड़ा हमला बोला है, ट्वीट किया है कि ये इंडस्ट्री करोड़ों भारतवासियों ने मिलकर के बनाई है, करण जौहर और उनके पापा ने इंडस्ट्री नहीं बनाई है। तो एक बार फिर कंगना रनौत करण जौहर पर जबरदस्त हमला करती हुई नजर आईं। फिर स्वागत है। लखनऊ में अपराधियों पर योगी सरकार अब सख्त हो गई है। मुख्तार अंसारी के करीबियों की हिस्ट्री सीट खोली जा रही है। मुख्तार अंसारी गिरोह पर पुलिस लगातार कस रही है शिकंजा। मुख्तार के बेहद करीबी जुगनू वालिया के भाई रघुवीर सिंह उर्फ सोनू वालिया की हिस्ट्री सीट खोली गई है। सोनू ने भी मुख्तार की सह पर दिखाई थी जमकर दबंगई। मुख्तार के कुछ और गुर्गे भी पुलिस के रडार पर हैं इस समय। तीनों गुर्गों पर लखनऊ से फरार हिस्ट्री सीटर सुरेंद्र कालिया की मदद करने का आरोप है। इनके खिलाफ पुलिस कुछ और सबूत जुटा रही है। इसके अलावा मुख्तार व उसके करीबियों की अवैध संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैं। इन पर भी जल्द ही कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ रहे हैं। आलोक, मुख्तार पर तो शिकंजा कसी रहा था लेकिन अब मुख्तार के जो करीबी हैं अब उनकी हिस्ट्री सीट भी खुल रही है, उन पर भी शिकंजा कस रहा है, किस तरह की कार्रवाई और एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो है योगी सरकार लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। खासकर अगर बात करें जो बाहुबली विधायक है मुख्तार अंसारी, उनके ऊपर उनके तो ऊपर भी जो है सरकार ने कार्रवाई की। हाल ही में लखनऊ में मुख्तार अंसारी के बेटों के जो अवैध बिल्डिंग थी उसको जो है गिरा दिया गया, बकायदा ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही उनके जो भाई हैं सांसद अफजाल अंसारी, उनकी जो उनकी पत्नी के नाम है उसका नक्शा भी निरस्त करने का NLDA ने नोटिस दे रखा है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनका नेटवर्क भी जो है पुलिस खंगाल रही है,
और उनके कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्रम में जो मुख्तार अंसारी की राजधानी लखनऊ में बहुत करीब की है, जुगनू वालिया के खिलाफ कार्रवाई, संपत्ति गाड़िया, अब जुगनू वालिया का जो भाई है सोनू वालिया वो भी जो है मुख्तार के नाम पर दबंगई करता था, अवैध चूली चुनता था, ड्रामा अन्य गतिविधियों में लिप्त था, उसके खिलाफ भी पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी है। आलोक, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की अवैध जो अपराधों के जरिए से जो संपत्ति बनाई उस पर अब सरकार की निगाह टेढ़ी है। अफजाल अंसारी भी कल आए थे और उन्होंने आकर के जो है इस बात का क्लेरिफिकेशन दिया कि जो जमीन अवैध बताई जा रही है उस पर उनका कब्जा है और बाकायदा वो उन्होंने लीगल तरीके से उसका नक्शा पास कराया था। आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, तो बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, हिंदू समाज संगठन और पुलिस के बीच में झड़प सामने आई। दरअसल नाबालिग लड़की का 3 दिन बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला और इसी की वजह से पुलिस और हिंदू समाज संगठन के बीच में ये पूरी तकरार देखने को मिली है। आप देखिए जरा तस्वीरें, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आगरा से आ रही हैं, जहां पर हिंदू समाज संगठन और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। आप ये देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस और यहां पर लोगों के बीच में यहां पर तनातनी देखने को मिल रही है, बाकायदा दोनों पक्ष के बीच में झड़प हुई है। दरअसल 3 दिन पहले एक लड़की को बहला फुसला करके दूसरे समुदाय का एक शख्स ले गया था। इस वक्त मयंक त्यागी हमारे आगरा से संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से पैच है। मयंक, क्या है पूरा मामला और इस वक्त की क्या स्थिति है? जी मैं बता दूं कि एक नाबालिग लड़की का मुस्लिम लड़की को ले जाने के संबंध में आरोप है, उसको लेकर FIR की गई। FIR करने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई थी, उसको लेकर हिंदू संगठन वादी जो है आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद एक तमाम संख्या में लोगों ने इकट्ठा किया, उसके बाद पुलिस आमने सामने आई, उसके बाद आश्वासन हुआ, कार्रवाई के संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया, जहां मौके पर मौजूद विधायक भी मौजूद थे, जहां लोगों से बातचीत करी, आश्वासन का सीसीए दिया। उसके बाद कुछ चंद अराजक तत्वों के द्वारा फिर से सड़क को जाम किया गया, फिर उसके बाद पुलिस के नौकरियों की और पुलिस के आने से पहले तमाम ईंट पत्थर वहां फेंके गए, रोड को जाम किया गया और कुछ दुकानों का नुकसान भी किया गया। बिल्कुल मयंक, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वो बता रहा है कि हालात बेहद ही तनावपूर्ण है। वहां पर लाठी डंडे रखे हुए हैं, वहां पर पत्थर हैं और बाकायदा अब देखिए पहले हम आपको देखिए वो पूरा हंगामे के विजुअल्स दिखा रहे हैं और आपको सुनाते हैं किस तरह से हंगामा चल रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से, ये इरादनगर का मामला है, आगरा के थाना इरादनगर क्षेत्र का मामला है और इस पर दोनों पक्ष इस वक्त हिंदू संगठन और पुलिस आमने सामने हैं। दरअसल एक नाबालिग लड़की 3 दिन पहले यहां से गायब हुई थी और हिंदू पक्ष का आरोप है कि उसको बहला फुसला करके दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक युवक ले गया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसके बाद हिंदू समाज संगठन के लोग जो है सड़कों पर आ गए, उसके बाद पुलिस के साथ तकरार शुरू हो गई और फिर वो झड़प में बदल गई। आप वो जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से हालात वहां पर तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। आगरा से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए किस तरह से उन्होंने हालात का जायजा लिया। हिंदू समाज के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं और पीछे तस्वीरों में लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस फोर्स लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि लोग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो तमाम मुस्लिम संबंधी धाराएं जो किसी समुदाय
जैसे संबंधित मामलों को लेकर रोकने का प्रयास है। यहाँ हिंदू समाज की एक ही मांग है कि तमाम इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इसमें लापरवाही बरती जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ मैं मयंक त्यागी, न्यूज़ वन इंडिया, आगरा। तो बिल्कुल आपने ये तस्वीरें देखी, किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है। पुलिस और दूसरे पक्ष आमने सामने हैं और जो झड़प की तस्वीर भी आप देखिए, किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है, लेकिन चारों तरफ आपको एक जन समुदाय दिखाई दे रहा है पूरा, और ये बेहद आक्रोशित है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पंचायत का आयोजन किया गया था जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस के साथ उसके बाद तकरार हुई। मयंक हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या स्थिति अंडर कंट्रोल है या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? जी, आपको बता दूं कि पूरी जानकारी इसमें पूरी पुलिस फोर्स का नेतृत्व SPRA रवि कुमार कर रहे हैं जो कि IPS हैं। उसके बाद तमाम पुलिस फोर्स ने मौजूदा कंट्रोल कर लिया गया है, तमाम दुकानों को खुलवाया जा रहा है। जहां देखा जाए तो जहां सैकड़ों की संख्या में जनता थी वो लगभग अब मात्र 10-20 लोगों की संख्या में दिखाई दे रही है। जहां पुलिस पैदल गश्त के दौरान सभी दुकानों के दुकानदारों का अनुरोध करते हुए एक शांति व्यवस्था का निवेदन करते हुए दुकान खोलने का आग्रह भी करती दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना करके रखिए। मेरठ में महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला को अगवा कर तीन दरिंदों ने गैंगरेप किया है। हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला को हवस का शिकार बनाया गया। गैंगरेप के बाद महिला को सड़क के किनारे छोड़ गए आरोपी। पुलिस ने दो आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है, वो कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने एक कथित पत्रकार को भी गिरफ्तार किया है। तो बेहद ही सनसनीखेज मामला है इस वक्त मेरठ से। मेरठ में अगवा करके एक युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ रेप किया है। इस सूचना पर पुलिस टीम लगी और ये बात निकलकर सामने आई कि ये जो महिला है इसका जानने वाला एक व्यक्ति है जिससे फ़ोन पर इसकी बात होती थी। उस व्यक्ति ने फ़ोन किया इस महिला को और ये महिला वो दोनों साथ गए कार में और दो व्यक्ति और उसके साथ थे, उन्होंने एक महिला के साथ घटना किया है। ऐसा भी प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। जिस कार की बात की जा रही है वो कार जो महिला का मित्र है वो व्यक्ति और उसके साथी जो है एक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर में सारी स्थिति जो होगी आप लोग के सामने और क्लियर। और मेरठ से हमारे संवाददाता मोहसिन खान जुड़ गए हैं। मोहसिन, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है चलती कार में गैंगरेप का, उस पर अब तक किस तरह की कार्रवाई सामने आई है? देखिए, निश्चित रूप से मेरठ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर इस चलती कार में जो गैंगरेप की घटना हुई है उसका एक तरह से खुलासा कर दिया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर जो तीसरा आरोपी है उसकी भी तलाश में लगातार धरपकड़ की जा रही है। पुलिस की टीम दबिश दे रही है और ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 घंटे में घटना का पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल आकर ये खड़ा होता है कि जो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है उसमें से एक आरोपी तथा कथित न्यूज पोर्टल चलाने वाले चैनल का पत्रकार भी गिरफ्तार हुआ है जिसकी कार में ये गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। उसकी कार के आगे और पीछे एक न्यूज चैनल का लोगो लगा हुआ है, बाकायदा वो आईडी आगे रखकर इस तरह से दबंगई दिखाता था। तो कुल मिलाकर मेरठ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि चलती हुई कार में मेरठ की सड़कों पर गैंगरेप की घटना होना और उसके बाद फिर बदहवास हालत में जो पीड़ित महिला है उसको सड़क के किनारे फेंक देना। किसी तरह से वो महिला पुलिस के संपर्क में आई और पुलिस ने लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर जांच पड़ताल की और एक चीज और निकल कर आई है, जो महिला की कॉल डिटेल है उसके आधार पर जो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है उसमें से एक आरोपी। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया जाने के लिए। इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए।